दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक होममेड क्रीम शेयर कर रही हूँ जो मैंने घर पे बनाया है। और इस होममेड क्रीम की ये खासियत है कि ये आपके प्रेगनेंसी के जो स्टिच मार्क्स हैं उन्हें भी रिमूव कर सकता है, आपके चिचक के दाग रिमूव कर सकता है, आपके जो चेहरे पे झुर्रियाँ हो जाती हैं उन्हें रिमूव कर सकता है, डार्क सर्कल रिमूव कर सकता है, आपको एक फेयरनेस निखार दे सकता है और आपके दाग धब्बे भी रिमूव कर सकता है। दोस्तों मैं पिछले कई दिन से इसको यूज कर रही हूँ, यूज करने के बाद जो मुझे फ़ायदा हुआ है वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों इसे कैसे बनाना है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। दोस्तों आप इसे किसी भी तरह यूज कर सकते हो, यानी आप इसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम की तरह यूज कर सकते हो, एंटी एजिंग क्रीम की तरह यूज कर सकते हो, फेयरनेस क्रीम की तरह यूज कर सकते हो या नाइट क्रीम की तरह यूज कर सकते हो, और इसे आप आसानी से घर में बना भी सकते हो। कैसे बनाना है वो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। और आपको बता दो इसमें जिस भी चीजों का इस्तेमाल किया गया इस क्रीम को बनाने में वो 100% सेफ है, 100% नेचुरल है, इसमें ऐसा कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है जो आगे चल के आपकी स्किन को नुकसान करे। दोस्तों आपके घर के बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसको बनाना बहुत ही ज्यादा सरल है और उतना ही सरल इसको यूज करना भी है, वो मैं आपको वीडियो के आगे में बताऊंगी। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस क्रीम को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। मैं सबसे पहले नारियल तेल ले रही हूँ, यानी कोकोनट ऑयल। आप किसी भी कंपनी का कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। दोस्तों ये कोकोनट ऑयल होता है जो प्रेगनेंसी के स्टिच मार्क्स होते हैं उसे रिमूव करता है, साथ ही दोस्तों आपके शरीर में कहीं पे भी कैसे भी दाग धब्बे हैं उसे रिमूव करता है। यहाँ पर आपको लगभग 2 चम्मच नारियल का तेल लेना है। सेकेंड जो मैं ले रही हूँ ये है गुलाब जल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने डाबर का गुलाब जल लिया, आप कोई भी ले सकते हो। दोस्तों गुलाब जल जो होता है ना ये हमारे स्किन को तरोताज़ा रहता है, हमारे स्किन में जो नमी है उसे बनाए रखता है। और साथ ही दोस्तों अगर आपको झुर्रियों की प्रॉब्लम है तो रोज़ाना अगर आप गुलाब जल अपने फेस पर अप्लाई करते हो इससे जो होती है हमारी झुर्रियाँ कम हो जाती हैं। दोस्तों अब हमें चाहिए एलोवेरा जल जो होना चाहिए प्योर। तो प्योर एलोवेरा जल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ला आर्गेनो का एलोवेरा जल जो है 99% प्योर। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है, ना ही कलर है और ना ही इसमें सिलिकॉन का यूज़ किया गया, ये 100% नेचुरल है। जी हाँ दोस्तों, और मैं लास्ट मंथ से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे 299 का पड़ा है ऑनलाइन जो मैंने मंगाया है। तो थोड़ा सा इसका रिव्यू भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो मैं बेस क्रीम के लिए इस एलोवेरा जल का यूज कर रही हूँ। आपके पास कोई और एलोवेरा जेल है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। आप ये देख सकते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल लाइट सा ग्रीन कलर आएगा जो प्योर एलोवेरा जेल का कलर होता है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कलर ऐड नहीं किया है। तो मैं लगभग 1 चम्मच जो एलोवेरा जेल है मैं इस जो क्रीम है मैं बना रही हूँ उसमें ऐड कर रही हूँ। दोस्तों अब मैं यूज कर रही हूँ 1 चम्मच ग्लिसरीन। जी हाँ दोस्तों, कोई भी क्रीम में ग्लिसरीन जरूर होती है, और ग्लिसरीन जो होती है वो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करती है, जो स्किन की नमी है उसे बनाए रखती है। साथ ही दोस्तों ये जो ग्लिसरीन होती है वो एंटी बैक्टीरियल होती है, यानी जो मुहासे के दाग धब्बे हैं ना उसे भी रिमूव करती है। और यहाँ पे मेरी दीदी मेरी हेल्प कर रही हैं इस क्रीम को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर मुहासे के बैक्टीरिया दूर करने के लिए और हमारी जो स्किन की जो नमी है, हमारी त्वचा की नमी है उसे बनाए रखने के लिए ग्लिसरीन का यूज़ किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो चारों प्रोडक्ट हैं उन्हें आपस में मैश कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से मैश करना है आपको। जैसे एक क्रीम आपने कभी केक की क्रीम बनाई उसे वन साइड ही फेंटते हैं, वैसे ही मैं इसे वन साइड ही फेंट रही हूँ। ठीक है, आप ये देखो बिल्कुल थोड़ा सा है, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे ना तो ये फूल जाएगी। और आप देख सकते हो ये क्रीम धीरे धीरे फूल रही है, इसे काफ़ी स्पीड में आपको फेंटना है, अच्छे से एक ही तरफ फेंटना है आपको। ये नहीं कि आप जो डायरेक्शन उसे चेंज कर करके नहीं फेंटना है, बल्कि उसे एक तरफ फेंटना है। ये आपको 10 मिनट का ये प्रोसेस है जो मैं आपको थोड़ा सा फास्ट मोशन में दिखा रही हूँ ताकि हो जाए। ये देखिए हमारी जो क्रीम है वो बन के तैयार। दोस्तों बहुत ही अच्छी क्रीम बन के तैयार है। आप इसे किसी भी साफ कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बाहर नॉर्मल क्रीम की तरह ऐसे रख सकते हैं और इसको 1 मंथ तक यूज कर सकते हैं। 1 मंथ तक ये इतनी जो मैंने क्रीम बनाई है ये 1 मंथ के लिए बनाई है, और 1 मंथ के बाद आप फिर से ये क्रीम बना सकते हैं। दोस्तों ये क्रीम घर में सभी को पसंद आने वाली है। और दोस्तों इसे आप नाइट क्रीम की तरह, एंटी एजिंग क्रीम की तरह, मॉइस्चराइजिंग क्रीम की तरह या फिर आप फेयरनेस क्रीम की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको एक होम रेमेडी की तरह आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम होगी उसको रिमूव करेगी। मैंने अपने अपने हाथों पे ये क्रीम लगा ली, आप देखोगे तुरंत इसका ग्लो मेरे हाथों पर नजर आएगा। बता दो इसे कैसे लगाना, सिंपल सी आपको क्रीम की तरह लगाना है। थोड़ी सी क्रीम आपकी बहुत ज्यादा होगी, इसे अपने फेस पर
अप्लाई कर देना अच्छी तरह मॉइस्चराइजिंग क्रीम की तरह। जब भी आप क्रीम लगाएं तो उससे पहले जो भी आपके फेस पे मेकअप होगा उसे रिमूव कर देना, यानी आप नहाने के बाद उसे यूज कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त हमारे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं हो सकता। या फिर दिन में पूरे दिन के बाद रात में जब आप काम करके फुर्सत पा जाओ, ठीक है, जब सोने जाओ, सोने से एक घंटे पहले से लगाओ। कोई भी नाइट क्रीम जो होती है वो सोने से एक घंटे पहले लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम सो लगा कर लेट जाते हैं, जो तकिया होती है ना, हमारी पिलो होती है, वो सारी क्रीम ना उसी में लग जाती है, हमारे फेस पर नहीं रह जाती है और सारी गंदगी अलग चपक जाती है। तो एक घंटे पहले आप इसको लगा लो सोने से पहले। बस आपको इस तरह यूज करना है, जहाँ पर भी आपके दाग धब्बे हों, स्टेच मार्क हैं, वहाँ आप इसको लगा सकते हो। और ये बहुत अच्छी क्रीम, एक अच्छा मतलब आप इसको लगाओगे ना, एकदम आपकी जो स्किन है बहुत स्मूथ हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। आप देख सकते हो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, और अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो मेरा फेस, एक्चुअली मैंने पहले भी क्रीम लगाई थी तो जो डबल लेयर हो चुकी है। बस आपको थोड़ी सी इसी तरह लगाना है और अच्छे से मसाज करना है। आप देख सकते हो जो क्रीम है अच्छे तरह से मेरी स्किन के अंदर चली गई है। हल्के से मसाज करते हुए आप इसे लगा सकते हो, और सारा दिन आपको कुछ और भी कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो लगाने के बाद आपको मेरे फेस पर तुरंत एक ग्लो नजर आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा दिन आपको कोई भी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी तरह आपकी क्रीम बनी रहेगी। आप इसे मेकअप बेस की तरह भी यूज कर सकते हो, इसके बाद जो आपका मेकअप है वो ड्राई पैची नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों आई होप ये जो मेरी आज की क्रीम थी वो आपको अच्छी लगे तो इसे जरूर बनाना। बनाने के बाद, यूज करने के बाद आपका जो भी रिजल्ट रहा मेरे साथ और मेरे व्यूवर्स के साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों इस क्रीम को लेकर कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करने के साथ घंटी का बटन आता है बेल आइकन, उसे भी क्लिक कर देना, और साथ ही आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।